Hi guys, welcome or welcome back to my channel. I'm Muskan Kalra, and if you guys are seeing my face for the first time, then do consider subscribing. Also hit the bell icon ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. So guys, by the title तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ये वीडियो किस बारे में, और मेरे को नहीं पता ना मुझे समझ आ रहा कि मैं अपने आप को क्यों टॉर्चर कर रही हूँ. कोई इसका रीज़न नहीं है मेरे पास. तो मैं बता देती हूँ, जोलो चिप मैं आज ट्राई करने वाली हूँ. तो जिनको नहीं पता, तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा स्पाइसी हॉटेस्ट चिप्स है. इसके अंदर एक सिंगल चिप आती है इतने बड़े पैकेट के अंदर, एंड पूरा इन्होंने वार्निंग वगैरह सब चीज़ दी हुई है. ये देख लो, नॉट एवरीवन विल एंजॉय द एक्सट्रीम हीट, डू नॉट ईट इफ़ यू आर सेंसिटिव टू स्पाइसी फूड्स, एलर्जिक टू पेपर्स, नाइट शेड्स, और आर प्रेगनेंट और हैव एनी मेडिकल कंडीशन. कीप आउट ऑफ रीच ऑफ चिल्ड्रंस. आफ्टर टचिंग द चिप, वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड डू नॉट टच योर आइज और अदर सेंसिटिव एरियाज. आफ्टर दिस हेल्थ शुड बी ईजी, इस पर ऐसा लिखा हुआ है. एंड मैं मतलब मैं देखी है, मैंने काफ़ी सारी वीडियोज, हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है. और मैं अलार्म लगाऊंगी अपने साथ कि मैं कितनी देर तक होल्ड कर पाती हूँ. और उसके साथ साथ पता नहीं मैं ये सब क्यों कर रही हूँ, आई डोंट नो, बट मैं कर रही हूँ. उसके साथ साथ मेरे पास 15 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो कि मतलब मेरे बारे में ही होंगे, एंड मैं उन्हें वन बाय वन आंसर करूँगी. एंड साथ में मैं आपको टाइमर दिखा दूँगी कि मैं कितनी देर तक होल्ड कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ. एक और चीज़ कि मैं आप अगर मुझे फॉलो करते हो या सब्सक्राइब किया हुआ या मुझे जानते हो, तो आपने बहुत ही रेयरली मेरे फेस पे पिंपल देखे होंगे. बट आफ्टर दैट वो स्पाइसी रामन नूडल वाली वीडियो जो मैंने 24 आवर्स का चैलेंज लिया था कि मैं पूरे 24 घंटे रामन नूडल ही खाने वाली हूँ, उसके बाद मेरे फेस पे इतने पिंपल्स हो गए. आपको ये दिख रहा होगा, मैंने पिंपल पैचेस लगा रखे, देखो 1, 2, 3, 4, 5 बड़े बड़े मैसिव पिंपल्स हो रखे हैं. एंड एक दो मतलब एक दो जगह पेन भी हो रहा है कि और आ सकते हैं. सो और उसके बाद भी मैं ये ट्राई कर रही हूँ. आई डोंट नो क्यों, मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मेरे दिमाग में क्या हो गया है कि मैं क्यों खाना चाहती हूँ ये. बट फिर भी लेट्स स्टार्ट दिस, क्योंकि अब जब सोच ही लिया है, ये ले ही लिया है, ये सब कर ही लिया है, फ़ोन ले आई हूँ मैं अलार्म के लिए, तो कर ही लेते हैं एक बार. सो पहले मैं एक बार इसको ओपन कर लेती हूँ आप लोगों के साथ. मुझे तो आइडिया भी नहीं कि कहाँ से होता है क्या से. अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, ये आया इसमें लिखा हुआ, आर यू श्योर दिस हेल इज फॉर यू, ग्रेव योर नेम हेयर. भाई ये तो इतनी चेतावनियाँ दे रहे हैं ना, निकल चुके हैं इसमें से. पैकेजिंग भी इतनी खतरनाक है. एंड ये 200 रुपीज की वन चिप्स है, ये मैंने अमेजोन से ऑर्डर की है. और इस पे मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है, डू यू डेयर, पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ. भाई मेरी फट रही है पहली, वार्निंग स्ट्रेट फ्रॉम हेल. तो एक बार इसे ओपन कर लेती हूँ आप लोगों के साथ, ये देख लो. और ये ऐसा कुछ निकला भाई, इसमें इतना सब लिखा हुआ है, देखो क्या क्या बना रखा है कि इसमें दिल निकल जाता है, ऐसा हो जाता है. कैन यू हैंडल दिस डेडली चिप, हाउ टू एंटर लास्ट चिप चैलेंज इफ़ यू डेयर ट्राई इट, पता नहीं क्या क्या है. शॉर्ट टर्म लॉस ऑफ स्पीच हो सकता है इससे, माउथ ऑन फायर हो सकता है, इम्पेयर्ड विजन फ्रॉम टीयर्स, एक्सट्रीम प्रोफिनिटी और RIP, व्हाट टू एक्सपेक्ट, ऐसा सब कुछ ये लिखा हुआ है. बट इसके बाद भी हम लोग इसे ट्राई करेंगे. और इस पर लिखा हुआ है फियर द रीपर. तो इसको ओपन कर लेते हैं. बट मेरे साथ नवाब बैठा है और मेरे को डर है कि ये मतलब हल्का फुल्का भी इसका मसाला वसाला कुछ भी गिर ना जाए. और एक मेरे से बहुत 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 बड़ी गलती हो गई है. और आज पता क्या हुआ, मैं लेंस लगाती हूँ ना, तो उसमें मुझे ऑलमोस्ट आधा घंटा लगता है, मेरे से लगते ही नहीं है. और आज विद इन मतलब 2 मिनट्स के में दोनों लेंस लग गए हैं. और फिर मेरे को ध्यान आया कि इसमें तो आंसू आंसू आते हैं, तो तूने लेंस क्यों लगाए. बट अब लगा ही लिया, तो अब मैं निकालूंगी नहीं, तो कर ही लेते हैं. अब जब इतना मैंने सब कुछ कर ही लिया है स्ट्रगल, तो इसको खोल लेते हैं एक बार. आई थिंक हाँ यहीं से ही होएगा, बट मुझे डर भी लग रहा है. और एक बात बताऊं कि मेरे घर में कोई भी नहीं है अभी, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो कहीं ले जाने के लिए. बहुत खतरनाक वाली इसमें वो आई है मुझे स्मेल, मतलब स्पाइस की. मर गई. ये तो भाई रामन नूडल का 10x होएगा ना, तब भी वो होएगा कम इसके लिए. आपको चिप की हालत दिखा देती हूँ.
ऐसी कुछ है, ये थोड़ी टूट चुकी है, ये ऑलरेडी इतनी ब्लैक है एंड इस पे पूरे पे मिर्च लगी हुई है, पूरे पैकेट में मिर्च है इस पे, आगे पीछे मैं आपको दिखा देती हूँ मिर्च है। मैं इतनी धीरे इसलिए कर रही हूँ क्योंकि नवाब लेटा हुआ है मेरे साथ में, तो इसके ऊपर ना गिर जाए। सो एक बार इसे डाल देती हूँ अंदर एंड टाइमर लगा लेती हूँ और फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्ट। ओके गाइस, तो मैं टाइमर ऑन करने जा रही हूँ, बस मेरे को ये डर है कि ये बेड पे ना गिर जाए गलती से भी। ये रहा फोन, ये मैंने ऑन कर दिया है टाइमर, ये रही चिप एंड क्वेश्चंस। मैं चिप खाने के बाद स्टार्ट करूंगी और बहुत गंदी स्मेल है, बहुत गंदी मतलब बहुत स्पाइसी। तो गाइस पहला क्वेश्चन है व्हाट इज योर हीरो, ओ सॉरी हु इज योर हीरो। मैंने ये खाते ही मेरी ऐसी ऐसी हो गई है, सॉरी आई कांट। मतलब नहीं खा सकती हूँ मैं, आई एम सॉरी। मैंने मतलब स्टार्ट किया था, मैं एक बार अपना कुछ खा लूँ एंड फिर मैं इन क्वेश्चंस के आंसर देके वीडियो ख़त्म कर देती हूँ, बिकॉज मैं नहीं कर पाऊँगी। और ये अपने आप को टॉर्चर करने वाली बात, अगर कुछ हो जाता है तो मेरे को कोई कहीं ले जाने वाला भी नहीं है। मेरी इतने से बाइट में हालत ख़राब हो चुकी है और ये मैंने अब पढ़ा है। टाइमर वाइमर गया बाहर में, कान वान से कुछ इतनी सी हाइट में कुछ नहीं हो रहा, जैसे हम थोड़ी हाइट पे चले जाते हैं और कान सुन हो जाते हैं वैसे हो गए। और आइसक्रीम देख के ही उठ चुका है अगर आपको दिख रहा हो तो। मैं अभी भी ये पढ़ रही हूँ इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। कान में दर्द हो रहा है ना, वो ऐसे नहीं करते बेटी, वो क्या ही हो गई। मेरे कान में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जितनी देर आइसक्रीम है मुंह में इतनी देर रिलीफ मिल रहा है। आइसक्रीम खत्म होते ही मुंह में से फिर वही, और कान में इतना पेन हो रहा है ना क्योंकि मैंने इस साइड से खाई ली है वो बाइट।
आइसक्रीम चाहिए, अभी दूंगी। कान में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है मेरे, ये तो थोड़ा नॉर्मल है और यहाँ से जल रहा है बहुत। क्या करूं, और आवाज भी नहीं आ रही इस कान में से। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ठीक। आई डोंट नो, मैंने बहुत लोगों की वीडियो देखी, पूरी पूरी चिप खा के चैलेंज करते हैं यार, होल्ड करते हैं। मेरे को लगा मिर्च होगी, बट मतलब हो जाएगी टॉलरेट, जैसे नूडल्स वगैरह में होती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होगी मुझे ऐसा लगा। बट ये अभी तक मेरे कान में से जू आवाज आ रही है और उसके अलावा मुझे कुछ नहीं सुन रहा इस कान में से। अपनी माँ की कसम, अगर किसी को ये एक्टिंग लग रही है, सच में मम्मी की कसम, कुछ भी नहीं हो रहा और ना जलन हो रही है। मतलब मैंने कितनी सी चिप खाई आप लोगों ने देखी है। आई कांट स्पीक, जितनी देर आइसक्रीम मेरे मुंह में उतनी देर अच्छा लग रहा है, बोला जा रहा है थोड़ा बहुत। आइसक्रीम खत्म होती और अगर अभी घर में आइसक्रीम नहीं होती तो मेरी मौत हो सकती थी भाई। मत ट्राई करना यार, पता नहीं लोग कैसे खाते हैं। बिलीव मी, मैंने मतलब 4-5 लोगों की वीडियो देखी जोलो चिप की, ये करने से पहले, ऑर्डर करने से पहले, और लोग पूरी पूरी चिप खा के साथ में बैठे होते हैं, ऐसे चैलेंज कर रहे होते हैं। पता नहीं कैसे, क्या कितना स्पाइस टॉलरेंट है उनका, आई डोंट नो। बट मैं अभी तक कान में जू जू हो रही है, पता है, मतलब कम हुई है, पहले से ही नहीं बोलूंगी सेम हो रही है, पर अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है। मैं कितनी आइसक्रीम मैंने खा ली और कितनी सी चिप खाई थी मैंने, कितनी बाइट ली थी, ये भी आप लोगों ने देखा है। अब थोड़ा बेटर लग रहा है, कान में से आखिरी में एक आवाज गई ऐसे, चट जैसे खुलता है ना कान, देख रहे हो क्या हो रहा है। प्लीज इसे ट्राई मत करना, प्लीज रिक्वेस्ट है, अगर मेरी तरह मूर्ख बन के औरों की वीडियोस देख के इतनी सी चिप मेरे पेट में अजीब सा हो रहा है, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में जेन्युइनली बहुत अजीब चीज है, मतलब मुझे लग रहा है पहली बार जीवन में लग रहा है। फिर मेरे 200 रुपए खराब गए हैं, बिल्कुल वेस्ट। अब इसको मैं किसी को ऐसा भी नहीं है कि खिला दूं। ये हाथों से ही खोली थी इसलिए मैंने ऐसा करा, बट अब थोड़ा बेटर हूं। पर बहुत बुरी चीज है, अगर आप ये ट्राई करने की सोच रहे हो तो प्लीज 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 मत करना, बहुत 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 ज्यादा बेकार चीज है। डू नॉट ट्राई दिस, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि मेरी तरह और लोगों से इन्फ्लुएंस होके इसकी वीडियोस देख के एक बार ट्राई करने की सोची होगी। नहीं प्लीज मत करना, आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। मेरी इतनी सी बाइट में ऐसी तैसी फिर गई, मैंने नहीं इमेजिन किया था कि इतनी 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 ज्यादा स्पाइसी होगी, बिल्कुल भी, मतलब मुझे 1% भी नहीं था कि ये इतनी ज्यादा एक्सट्रीम होगी, नहीं था, सोचा था कि हाँ होगी, आधी खा लूंगी मैं, मतलब पूरी खा लूंगी उसके बाद हालत खराब होगी, इसीलिए मैंने टाइमर वाला सीन रखा था, बट नहीं। अब मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो मैं जो मेरे मेहनत करी है, मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, मैं वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ।
अगर आपको लगे कि आपको इसके आगे वीडियो देखनी है तो क्वेश्चंस होंगे, प्लीज देख लेना. सॉरी, एक बाइट और ले लेती हूँ, पर नहीं अच्छा लग रहा. ओके, तो पहला क्वेश्चन, मैंने 15 क्वेश्चन लिखे हैं, जल्दी जल्दी से आंसर करती हूँ. पहला क्वेश्चन है, हु इज योर हीरो? कोई भी नहीं है. इफ यू कुड लिव एनी वेयर, वेयर वुड इट बी? यहीं पे ही और कहाँ जाओगे यार, या फिर अपने भैया के पास यूएसए. वॉट इज योर बिगेस्ट फियर? तो वैसे मैं ये चीज बोलती नहीं हूँ, बट ये क्वेश्चन है इसलिए मैं इसका आंसर दे देती हूँ. तो मेरा सबसे बड़ा फेयर है जो वो है कि मतलब जैसे सबको पता होता है कि सबकी डेथ होनी है, ये वो, मतलब वो तो लास्ट स्टेज ही है लाइफ की, बट मतलब सबसे ज़्यादा डर मम्मी को खोने से लगता है. नेक्स्ट इज, वॉट वुड यू चेंज अबाउट योर सेल्फ इफ यू कुड? ओके, मेरे नेचर में मैं चेंज करना चाहूँगी कि मैं बहुत 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 इजीली एंड बहुत जल्दी लोगों पे ट्रस्ट कर लेती हूँ एंड सबको सोचती हूँ कि अच्छा, अगर ये मेरे बारे में ऐसे बोल रहा है तो अच्छा ही बोल रहा है, और बहुत ज़्यादा लगाव कर लेती हूँ उन लोगों से, मतलब अटैच हो जाती हूँ. ठीक है, और अगर बॉडी में बोलोगे तो मुझे अपने अपनी हर चीज़ पसंद है. वैसे तो हर एक चीज़, मतलब मैं खुद को बहुत ज़्यादा पसंद हूँ, चाहे मैं मोटी हूँ, चाहे मैं पतली हूँ, चाहे मैं डबल एक्सर हूँ. अगर मैं अभी आपके सामने ऐसे बैठी तो मुझे अभी भी मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ. मेरे को नहीं पता कि आपका परसेप्शन क्या हो सकता है क्या नहीं, बट अगर मैं अपनी बॉडी में कुछ चेंज करना चाहूँगी तो क्या होगा? आई थिंक कि मेरे दांत, क्योंकि पहले मेरे दांत नॉर्मल थे, अब क्या सीन है मैं आपको बताती हूँ. जो नीचे वाला जो है ना, ये थोड़ा आगे आ गया है एंड ऊपर वाला पीछे ही है, और ये ब्रेसिस से ठीक नहीं हो सकता क्योंकि दांत आगे नहीं आए हैं, जॉ आगे आ गया है, समझ रहे हो? अब ये जॉ कैसे पीछे होएगा ब्रेसिस से, तो इसलिए ये दिक्कत है. ये देखा, दांत मेरे सही है, जॉ मेरा आगे आ गया, अगर किसी को समझ आया हो तो. वट रियली मेक्स यू एंग्री? तो वो है झूठ. मेरे को सच बोल दो आके, आपने मेरे बारे में ये बोला है, आपने गलती करी, कुछ भी है, मेरे मुंह पे आके सच बता दो. मैं एक मिनट के लिए गुस्सा होऊंगी, पर मैं उसके बाद समझ जाऊंगी और मतलब इतना कलेश नहीं होगा. बट अगर आप मेरे को झूठ बोलोगे और मेरे को कहीं और से पता चलेगा तो मतलब वो मतलब मेरा लास्ट स्टेज है फिर. वॉट मोटिवेट्स यू टू वर्क हार्ड? अभी तो कुछ भी मोटिवेट नहीं कर रहा है, मैं यूट्यूब की फील्ड में ही आगे काम करना चाहती हूँ, बट मेरा नहीं चल रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये चीज़ ड्रॉप करनी पड़ेगी, बिकॉज कुछ भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, जिसके अकॉर्डिंग मैं काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है. बाकी अगर कहीं कमी हो तो आप लोग बता सकते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही हूँ. वॉट मेक्स यू लाफ द मोस्ट? ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मतलब मैं हर चीज़ में ही हंसती रहती हूँ यार, बहुत, मतलब बहुत कम टाइम होता है. मैं बताती हूँ आपको कब का टाइम होता है, रात का टाइम होता है जब मैं अकेली होती हूँ तो मुझे चीज़ें ट्रिगर करना स्टार्ट करती है, एंड उस वक्त मेरा दिमाग सबसे ज़्यादा ख़राब रहता है, वरना मैं पूरे दिन अच्छे से रहती हूँ, हंसती खेलती, सब कुछ नॉर्मल. ठीक है, वॉट डिड यू वॉन्ट टू बी वेन यू वर स्मॉल? तो जब मैं छोटी थी तब मैं पायलट बनना चाहती थी, और मुझे नहीं पता था कि ऐसे ऐसे करियर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी पड़ती है, मुझे नहीं पता था, बिलीव मी और नॉट, कि मुझे 11th 12th तक भी नहीं पता था कि आपको करियर के अकॉर्डिंग अपनी मतलब स्टडीज चुननी पड़ती है. तो मैं ज़रूर, अगर मुझे इतना ज्ञान होता तो मैं क्या बनना चाहती हूँ आपको बता देती हूँ, और अगर मुझे इतना पता होता तो शायद मैं उस टाइम पर हार्डवर्क करके बन भी जाती. तो मैं जानवरों का डॉक्टर बनना चाहती हूँ, चाहती थी, अब तो कुछ नहीं हो सकता. इफ यू कुड चूज टू डू एनीथिंग फॉर अ डे, व्हाट वुड इट बी? तो वो होगा कि जितने भी स्ट्रीट पे डॉग्स हैं या बेसिकली एनिमल्स हैं जैसे काऊ वगैरह हैं, तो मैं उनके लिए एनजीओ का वो कर देती अरेंजमेंट, जितना मेरे से हो पाता. ये तो नहीं कह सकती पूरे देश का, बट अगर मैं एक दिन के लिए कुछ करना चाहूँ तो मैं ये करूँगी, अगर मेरे बस में हुआ तो.
Would you rather ride a bike, ride a horse, or drive a car? I know how to drive a car. I want to ride a bike. मेरा ड्रीम है बुलेट राइड करने का और बुलेट लेने का. तो हॉर्स का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं. तो वुड यू रादर, मैं आई थिंक आई विल आंसर राइड अ बाइक. अगर किसी को आती है अच्छी खासी बुलेट चलानी तो प्लीज़ मुझे सिखा दो. अगर आपको इतना ट्रस्ट है कि मैं सीख जाऊँगी और डर नहीं है कि गिरूंगी या कुछ, क्योंकि मुझे स्कूटी और गाड़ी बहुत अच्छे से चलानी आती है. नॉट लाइक यूजुअली जैसे लड़कियाँ चलाती है, नाम बदनाम है, नहीं. अगर कोई मेरे जान पहचान का देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि मैं कैसे चलाती हूँ, क्योंकि जितने भी लोग मुझे जानते हैं उन्होंने कभी मुझे नहीं बोला कि लड़की की तरह चलाती है या कुछ भी ऐसे. सो मतलब एश्योर कर सकती हूँ आप लोगों को. नेक्स्ट इज, इफ़ यू कुड ओनली ईट वन मील फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, वॉट वुड इट बी? तो ये होगा या तो राजमा चावल या फिर बेसन का चीला. मैं बेसन का चीला रोज़ हर टाइम हर वक्त खा सकती हूँ, एंड सेम एज राजमा चावल. सो नेक्स्ट इज, हैव यू एवर हैड अ निकनेम, वॉट इज इट? यस, आई हैव अ निकनेम, तो वो है गुड्डू. एंड डू यू, नेक्स्ट इज, डू यू लाइक और डिसलाइक सरप्राइज? आई लव सरप्राइज, बट मेरे को कोई देता नहीं है, मतलब ऐसा कोई है नहीं जो मुझे सरप्राइज दे. नेक्स्ट इज, व्हाट्स द लॉन्गेस्ट यू हैव गॉन विदाउट स्लीप? तो अगर मुझे कोई जानता है बहुत अच्छे से तो उन्हें पता होगा कि ऐसा नहीं है, मैं नहीं रह सकती. अगर मैं, मान लो जैसे किसी के घर में जागरण है, वो पूरी रात जागता है, तो अगर मैं जाग ली तो मुझे सुबह बुखार हो जाएगा, ऐसा सीन है. मतलब मैं मैक्स जागी होंगी 15 घंटे, वो भी शायद, मैं इसमें भी नहीं बोल सकती कभी, बट नहीं, मैक्स बता रही, बट ऐसा नहीं है. मतलब मैं ये भी नहीं कह सकती मैं बहुत ज़्यादा सोती हूँ, बट मैं ये भी नहीं कह सकती मैं बहुत ज़्यादा जगती हूँ. मतलब बैलेंस रहता है. और मैं नहीं, मतलब विदाउट स्लीप तो मैं ऐसे कॉन्टिन्यूसली तो नहीं हो पाता, मेरे से मेरी तबीयत ख़राब होने लग जाती है. सो लास्ट क्वेश्चन इज़, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को. मेरी हालत ख़राब हो चुकी है और अभी भी मेरे यहाँ पे थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा, मतलब जितना हो रहा था उसका 10% अभी भी जलन है. तो इस ये चीज़ मत खाना भैया, ऐसी तैसी कर देगी. तो लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं. व्हाट इज़ द बेस्ट एंड द वर्स्ट गिफ्ट यू हैव रिसीव्ड? तो बेस्ट बता देती हूँ, मेरे भैया ने मेरे बर्थडे पे मेरे नाम का टैटू कराया था, वो अभी तक का मेरा बेस्ट गिफ्ट है. मैं यहाँ पे पिक्चर या वीडियो डाल दूंगी अगर नहीं पता किसी को. और वर्स्ट गिफ्ट, गिफ्ट वर्स्ट तो नहीं होता है, वर्स्ट गिफ्ट तो क्या ही होगा, वर्स्ट गिफ्ट नहीं होता, गिफ्ट सारे ही अच्छे होते हैं. कोई सोच कुछ दे रहा है आपको तो कुछ सोच समझ के ही दे रहा होगा. तो मुझे एज सच वर्स्ट गिफ्ट तो कोई नहीं मिला है, बट बेस्ट गिफ्ट जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ हमेशा, क्योंकि कोई इतना इजीली अपने बॉडी पे किसी का नाम नहीं लिखवाता. और मतलब हम लोगों ने सोचा भी नहीं था, दूर दूर तक मेरे दिमाग में नहीं था कि वो ये कर देगा, वो एकदम से आया एंड उसने कहा ये दे, नहीं पता था. और मतलब कोई था भी नहीं कि रिएक्शन रिकॉर्ड करे, क्योंकि वो कैमरा पर्सन नहीं है कि वो इतना सब सोचे कि कोई एक बंदा खड़ा हो कि कैमरा ऑन कर दो मैं दिखाऊंगा, नहीं. बट मैं उसके बाद की क्लिप दिखा देती हूँ जब मैंने वो देखा था, और यहाँ पे आ रही होगी. एंड डू लेट मी नो कि आपको कैसा लगा टैटू. एंड यही ही आज तक का बेस्ट गिफ्ट है जो मेरे दिल के बहुत करीब है एंड मुझे हमेशा याद रहेगा और मैं ग्रेटफुल हूँ. So that's it for today's video. अगर video पसंद आई है तो don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel. See you guys in the next video. And कोई भी suggestion या recommendation हो तो वो comment section में ज़रूर दे देना. Bye guys. Bye.